तो दोस्तों प्रो कबड्डी सीजन 9 का जो मैच नंबर 24 है वो खेला जाएगा पटना पायरेट्स और द मिथिला आवास की टीमों के बीच में। इस वीडियो में हम प्रीव्यू करने वाले हैं इस मैच का, क्या यहाँ पर दोनों टीमों की स्टार्टिंग 7 रहने वाली है, साथ ही जानेंगे यहाँ पर दोनों टीमों के गेम प्लान को। वीडियो के लास्ट में प्रेडिक्ट करने वाले हैं कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है। तो ये वीडियो होने वाले बहुत इंटरेस्टिंग, तो आपकी वीडियो को देखिए लास्ट तक। चलिए शुरुआत करते हैं कोने वीडियो। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पटना पायरेट्स की टीम को, तो जानेंगे यहाँ पर पटना की टीम की स्टार्टिंग 7 क्या रह सकते हैं इस मैच के लिए। तो मैं सेंटर पर दिखाई देने वाले सचिन तनवर, बात करें यहाँ पर कवर्स की तो राइट कवर पर होंगे टीम कप्तान नीरज कुमार, लेफ्ट कवर पर उनका साथ देने वाले सादिन चंद्रशेखर, और यहाँ पर बात करें दोस्तों टीम के सेकंड रेडर तो होने वाले रोहित गुलिया, और टीम के यहाँ पर थर्ड रेडर होंगे अब्दुल इस्लाम। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉर्नर्स की, तो राइट कॉर्नर पर दिखाई देने वाले सुनील कुमार, और लेफ्ट कॉर्नर पर उनका साथ देने वाले मोहम्मद रिजा चियानी। तो ये थे यहाँ पर दोस्तों पटना पायरेट्स की टीम की स्टार्टिंग 7 इस मैच के लिए। बात करें यहाँ पर दोस्तों पटना की टीम की, तो पिछले मुकाबले में यहाँ पर पटना की टीम बंगाल नूरी से यहाँ पर दोस्तों 20 पॉइंट के मार्जिन से भी ज़्यादा से हार के आ रही है। इस मैच में यहाँ पर दोस्तों जो टीम का डिफेंस था वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाया था। कॉर्नर में यहाँ पर 4 पॉइंट मिले थे यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद जाचियाना को, तो 3 पॉइंट मिले सुनील कुमार को। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों डिफेंस में किसी और प्लेयर को पॉइंट नहीं मिला था। रेडिंग में भी यहाँ पर दोस्तों सचिन तेंदुलकर को छोड़ दिया, तो कोई भी रेडर यहाँ पर पॉइंट स्कोर नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर टीम की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही डाउन आती जा रही है। देखने वाली बात तो इस मैच के अंदर यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस करते हैं पटना पायरेट्स की टीम। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तमित लावास की टीम की स्टार्टिंग 7 के बारे में। सेंटर पर दिखाई देने वाले अजिंक्य पवार, और बात करें यहाँ पर टीम के राइट कोर की तो वहाँ पर दिखाई देने वाले एम अभिषेक, और लेफ्ट कोर का साथ देने वाले एम मोहित। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों टीम के सेकंड रेडर की तो होने वाले विश्वनाथ वी, यहाँ पर टीम के थर्ड रेडर होने वाले नरेंद्र। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉर्नर्स की, तो हम राइट कॉर्नर पर दिखाई देने वाले सागर राठी, और लेफ्ट कॉर्नर पर उनका साथ देने वाले साहिल गुलिया। पिछले मुकाबले में यहाँ पर दोस्तों तमित लावास की टीम को भी हार मिली थी मुंबई की टीम से, भले वो यहाँ पर 5 पॉइंट शार्ट, लेकिन यहाँ पर जो टीम का कॉम्बिनेशन है वो भी इतना अच्छा नहीं बैठ पाया है। रेडिंग में यहाँ पर दोस्तों नरेंद्र को निकाल दिया, तो किसी भी रेडर को यहाँ पर पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो विश्वनाथ भी हो यहाँ पर दोस्तों, चाहे अजिंक्य पवार, कोई भी रेडर यहाँ पर पॉइंट स्कोर नहीं कर पा रहा है। डिफेंस में भी यहाँ पर दोस्तों सागर राठी के सिवाय कोई डिफेंडर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। तो समित धवाज की टीम भी यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, दोनों ही यहाँ पर दोस्तों डिफेंस और ऑफेंस के अंदर, लेकिन मुकाबला यहाँ पर बहुत ही कांटे का होने वाला, क्योंकि यहाँ पर दोनों टीमें बराबर की है। यहाँ पर दोस्तों बात की प्रेडिक्शन की, तो मेरे हिसाब से इस मैच को यहाँ पर जीत सकती है पटना पायरेट्स की टीम, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पटना की टीम के पास बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी, और यहाँ पर दोस्तों तमिल की साइड थोड़ी मेरे हिसाब से न्यू है, तो यहाँ पर इस मैच को जीतेगी पटना पायरेट्स की टीम। तो आप यहाँ पर कमेंट करें बताइए कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाले, और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, साथ ही हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।